जानने की कोशिश करेंगे कि तहसील स्तर पर कोरोना से निपटने की क्या तैयारी है। तो सबसे पहले दीपक, थोड़ा सा आज भोपाल में भी आज रिपोर्ट आई नहीं है, 450 सैंपल की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, और भोपाल कुछ ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है धीरे धीरे, प्रदेश तो बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाने की जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा है, वो मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन है, हमें लगता है इंदौर शहरों में नंबर वन है आबादी के हिसाब से। महाराष्ट्र जरूर में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश जितने सैंपल लिए गए हैं, जितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके अनुसार मध्य प्रदेश में अनुपात उससे कहीं डबल है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अंतर यह है कि मुंबई के बाद या महाराष्ट्र के बाद हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जहां पर हम अपने पेशेंट को बचा ही नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ 10 में से 9 को ठीक कर रहा है, बाकी और राज्यों में उत्तराखंड ले लीजिए, वहां पर अभी तक मृत्यु दर 0 है और 500 लोग ठीक हो चुके हैं, 35 वहां पर है। तो एक रेशियो देखें तो यहां सबसे ज्यादा है, इसकी वजह समझ नहीं आ रही आखिर क्या है। ये भी बिल्कुल पहले ही माना जा रहा था कि जो 60 साल से ऊपर के हैं उनमें इम्यूनिटी पावर कम है, इस कारण हो रहा है। आप तो यंग भी जा रहे हैं, 45 साल के भी जा रहे हैं, आप बड़ा आश्चर्य की बात है कि कोरोना पॉजिटिव से ठीक होने वालों की संख्या लगभग 24 है और मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। खैर, हमारे साथ निर्मल हैं, भोपाल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। निर्मल, आज क्या कुछ ताजा जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं, जो कोरोना हो गया, इतने पेशेंट आ गए, इन सबसे हट करके? देखिए, भोपाल की तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन एक जो सबसे ताजा जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है वो भिंड जिले से है। जो जानकारी है उसके मुताबिक भिंड जिले के महगांव में एक बुजुर्ग बंशीलाल की भूख से मौत हो गई है। ये जो बुजुर्ग वार्ग हैं, ये बीमार भी थे और तो ना हो तो उन्हें दवा मिल पाई और ना खाना। तो ये जानकारी जो सबसे पहले जो सूचना इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि बंशीलाल की भूख की वजह से मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं जो अब तक की व्यवस्थाएं हैं, जो गरीबों तक रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उन तक जो सरकार दावा कर रही है, नगर निगम दावा कर रहे हैं, स्थानीय निकाय दावा कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये खबर जो है सवालिया निशान लगाती है। इसके साथ ही अगर भोपाल की बात करें तो चूंकि नए सीएमओचो ने कार्यभार ग्रहण किया है, प्रभाकर तिवारी ने, तो वो शायद वो वजह हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो है नए आंकड़े सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं, वो आंकड़ा 95 पॉजिटिव का ही वहीं पर स्थिर है। निर्मल, ये भूख से मरने की बहुत बड़ी अपने आप खबर हम आपके पास आएंगे। दीपक हमारे साथ गोविंद यादव जुड़ गए हैं, गोटेगांव संवाददाता है, सवाल करें आप। गोविंद, जिस तरीके से वहां पर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि संक्रमित कितने मिले हैं, कितने क्वारंटाइन किए गए हैं, उसके बाद आगे के हम आपसे जानेंगे, पहले तो ये आप बताएं और वहां क्या व्यवस्था है, आइसोलेशन बाहर की व्यवस्था की गई है गोटेगांव में? जी सर, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर जिले जिसमें 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसी दौरान नरसिंहपुर जिले से अभी तक यहाँ पर कोरोना वायरस के एक भी मरीज नहीं पाए गए हैं। और जितने भी बाहर के लोग, गोविंद हम आपसे गोटेगांव की जानकारी चाह रहे हैं, नरसिंहपुर इसके बाद हम आपसे ले लेंगे, लेकिन पहले गोटेगांव की जानकारी दीजिए। गोटेगांव स्वरूपानंद सरस्वती का आश्रम स्थल है, वही रहते हैं स्वरूपानंद सरस्वती, वहाँ क्या स्थिति गोटेगांव की हम जाना चाहेंगे। अगर गोटेगांव की बात करें तो यहाँ पर अभी जो बाहर से लोग आए हुए थे उनका भी नरसिंहपुर जिला अस्पताल में चेकअप हुआ है और किसी प्रकार का संदिग्ध नहीं पाया गया है गोटेगांव में, यहाँ दूर दूर तक यहाँ सुरक्षित है। नहीं तो क्या संदिग्ध नहीं पाए गए, गोटेगांव से सैंपल भेजे गए हैं क्या, कुछ लोगों के सैंपल भेजे गए क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मतलब जितने भी सैंपल चेक किए गए हैं निगेटिव आए हुए हैं सभी। कितने सैंपल लगभग गोटेगांव से भेजे गए हैं, कितने लोगों के? बिल्कुल सर, 950 चेकअप हुए थे जिसमें से सभी के निगेटिव आए हुए हैं। 950 सैंपल लिए गए हैं जिसमें निगेटिव आए हैं, अच्छी खबर है। क्या वहाँ भी कोई आपको ऐसा जानकारी मिली है कि जमात से जुड़े कुछ लोग वहाँ पहुँचे हो? ऐसे भी कोई जानकारी नहीं आई अभी यहाँ गोटेगांव के लिए तो। जमात से जुड़े, आप भी बताओ, वहाँ आइसोलेशन बाहर हॉस्पिटल है क्या, पीएससी, मिनी पीएससी है क्या? जी, यहाँ शासकीय हॉस्पिटल उसी को बनाया गया है, आइस हॉस्पिटल एक रूम को। अच्छा जी, एक ही रूम है क्या? जी, एक ही रूम है क्या? यहाँ नहीं, अभी एक हाल है, उसी में
समझो ये 60 बिस्तर आयुष बनाया गया है। जिस तरीके से वहाँ पर देखे गोविंद, वहाँ पर रिपोर्ट अब तक कोई भी आया नहीं, निगेटिव है, इसका क्रेडिट वहाँ के प्रशासन को जाता है कि वहाँ पर इतना अच्छी व्यवस्था की गई है, सील बंद कर दिया गया है, क्या कुछ प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था की जिसकी वजह से न तो जमाती वहाँ पर पहुँच पाए न ही कोरोना? यहाँ पर आपको बता दें गोटेओं की प्रशासन की व्यवस्था इतनी कड़क कर दी गई है, आवक जावक यहाँ किसी प्रकार की नहीं हो रहे हैं, ताकि यहाँ पर बाहरी आदमी को प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। वहाँ क्या दूध मिल पा रहे हैं, सब्जी मिल पा रही, किराना के सामान मिल पा रहे हैं लोगों को? यहाँ पर नरसिंहपुर जिले से होम डिलीवरी चालू है, जो भी व्यक्ति होम डिलीवरी द्वारा फोन करते हैं उनको वो अपने घर तक पहुँचाते हैं होम डिलीवरी द्वारा, प्रशासन की एक अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं अपन उसको। तो क्या सब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मिल पा रहा है क्या सामान? जी बिल्कुल, जरूरतमंदों को मिल पा रहा है सबको गोटे गाँव में? जी बिल्कुल, सभी को सामान मिल पा रहा है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, चलिए शुक्रिया आपका गोविंद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निर्मल है हमारे साथ, लेकिन एक निर्मल है, खैर आप आगे जानकारी दें। मैं जहाँ तक दीपक है, भूख से मरने वाली जो खबर है वो भी ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर बात है। मुझे बहुत वाकया ध्यान आता है, सुंदरलाल पटवा की सरकार के लिए इंचानने की बात है, और सरगुजा जिले में एक रवई पंडो नाम के आदिवासी की भूख से मृत्यु हो जाती है, और उस रवई पंडो का नाती रहता है, उसकी दो की भूख से मृत्यु होती है, और वो भूख से मृत्यु मतलब ये अपने देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है विकास के लिए। और वहाँ की रानी सरगुजा की देवेंद्र कुमारी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, उस समय विधायक थे संभवतः वहाँ से, और जो अभी टीएस सिंहदेव जी हैं उनकी माँ, और उस मुद्दे को उठाने के बाद पूरी मध्यप्रदेश की सरकार हिल जाती है, और इतना बड़ा मुद्दा होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव सरगुजा जाते हैं और सरगुजा में जाकर के इस मुद्दे को उठाते हैं। तो ये भूख से मरने से, एक आदिवासी की भूख से मरने से मृत्यु के बाद, ऐसा उस समय लग रहा था यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सुंदरलाल पटवारी जी की सरकार पूरी तरह से हिल गई थी, उसको पूरी तरह से उसको किसी तरह मैनेज करने में लग गए थे। तो ये जो अगर भूख से अगर मृत्यु हो गई थी, सारे दावे बिल्कुल सर, लेकिन जिससे भी हाल ही में कल ही एक रिपोर्ट आई थी, तो इस रिपोर्ट में कहा गया था गरीब और गरीब होता जा रहा है, राजधानी में आप देख लीजिए हालत क्या है, तो गांव में जैसे कुल कई महिलाओं की अपील भी थी, रो रो कर ये बोल रही थी पत्रकारों से कि आप दो टाइम का राशन तो मुझे दे रहे हैं, पर राशन में सिर्फ सब्जी उस एक तेल से नहीं बनती या फिर कुछ सब्जियों से नहीं बनती, और दवाई हुई, घर के बहुत सारे ऐसे साथ जो सामान होते हैं जो वो खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें होती, कहाँ से वो हम करेंगे? बहुत सारी शीशा तेल कंघी से लेकर के कपड़ा साबुन, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने गिनती का कुछ नमक दे दिया, हल्दी दे दी, एक सब्जी बनाने में भी बहुत कुछ लगता है। एक बार निर्मल के पास चलते हैं, शैलेन तिवारी जुड़ गए हमारे साथ नरसिंहपुर से। शैलेन आवाज आ रही है? जी सर आई थी। शैलेन अब नरसिंहपुर के सूरत हाल जानना चाहेंगे आपसे, नरसिंहपुर में क्या कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया, संदिग्ध है, और संदिग्ध है तो किस मोहल्ले से है? सर नरसिंहपुर में सर अच्छी बात यह है कि कोरोना के ओरली सैंपल की 18 की रिपोर्ट आ गई है, और 18 की नेगेटिव सैंपल आए, एक की रिपोर्ट आना बाकी है, और बस एक ही है जो संदिग्ध की स्थिति में लग रहा है, और भी जो संदिग्ध बताया जा रहा है होम क्वारंटाइन किया गया है, और जिला अस्पताल में अभी मैंने बात की और कल भी मैंने बात की थी, तो जिला अस्पताल में 11 लोग वहाँ पे रखे गए हैं, तो काफी यहाँ पे अच्छी स्थिति है। मतलब यहाँ कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं है? कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं है अभी तक। कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं और उसमें संदिग्ध कितने हैं जिनको आपने बताया कि आइसोलेशन में रखा गया संदिग्धों को? और ये भी बताया गया शैलेन के नरसिंहपुर ग्रामीण की जानकारी आप दे रहे हैं नरसिंहपुर की? सर नरसिंहपुर ग्रामीण की मैं जानकारी दे रहा हूँ, अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूँ, ठीक है ठीक है रिपोर्टिंग। वो मैं जानना चाह रहा हूँ शैलेन जी की कुल कितने सैंपल लिए गए हैं, उसमें संदिग्ध कितने रखे गए हैं? सर सैंपल तो जैसे सर्दी और खांसी के अभी तक 8000 जिला अस्पताल ने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 2000 ऐसे लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, और सर बाहर से आने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है, 3500 के आसपास लोग जो बाहर के जिले के, बाहर के प्रदेश के, और बाहर के विदेशों से भी 51 लोग आए हुए हैं,
जिनमें से एक संख्या में 33 लोग ऐसे हैं जिनको होम क्वारंटाइज किया गया है। क्या हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड बना है वहाँ, और आइसोलेशन वार्ड बना है तो वहाँ कितने लोगों को रखा गया है? हॉस्पिटल में 60 आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, जिनमें से अभी 11 लोगों को हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ये क्या बता पाएंगे आप कि उनकी कितनी पहली रिपोर्ट आई है जिसमें निगेटिव पाए गए हैं, कि दूसरी आई है, कि तीसरी आई है, तीनों में निगेटिव पाए गए हैं क्या जो संदिग्ध है? सर अभी तक जितने भी सैंपल लिए हैं तो ऐसा कोई नहीं आया है कि इसकी दो रिपोर्ट भी ऐसी आई हो, है ना, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और कल भी जो 19 बताए जा रहे हैं कि 19 जो सैंपल हुए थे तो 19 में से 18 की जो रिपोर्ट है अभी तक उनकी नेगेटिव आ गई है, एक बस रिपोर्ट है। तो डॉक्टरों का साफ कहना है यही है कि उसकी दो रिपोर्टें जो है वो नेगेटिव आई है, तीसरी रिपोर्ट भी उसकी नेगेटिव ही आई है। वहाँ स्थिति क्या है, पूरी तरह से लॉकडाउन है? अगर लॉकडाउन है तो 100% लॉकडाउन का मतलब कि दूध और किराने का सामान सब्जी भी मिलना बंद है क्या? सर यहाँ पे लॉकडाउन है और यहाँ पे लोग काफी अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पर यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा किराना दुकान, दूध, सब्जी, फल आदि की दुकानों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिसमें आपको होम डिलीवरी केवल उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही यहाँ पे दवाइयों की दुकान खोलने के जो शासन ने बोला कि दवाई की दुकान बंद नहीं होगी, दवाई की दुकान खुली रहेगी, और उसके साथ 12 दवाई की दुकान ऐसी रजिस्ट्रेशन की गई है जिसके चलते आपको घर में ही होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध होगी। और कोई सवाल नहीं सर? सलंग तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। जिस तरीके से सर देखो वहाँ भी हालात लगभग ठीक हैं, जैसे कि अभी दोनों ही जगह के आपने देखे गोटेगांव के और नरसिंहपुर के, हाँ कि वहाँ पर हालात ठीक हैं। सबसे बुरे हालात तो जहाँ हम और आप बैठे वहीं तीन उज्जैन और भोपाल इंदौर, हाँ नहीं इंदौर में तो नहीं है, यहाँ लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जिस स्पीड से यहाँ बढ़ रहा है, खासकर ये जो अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास में यहाँ ज्यादा मिलने को आ रहा है। 42-43 स्वास्थ्यकर्मी आ गए, पुलिसकर्मी आ गए। और जी जंगल जी आप जानकारी और दे रहे थे। बिल्कुल, ये तो एक बात मैंने आपको बताई और दूसरी बात ये बताई कि आज 95 का आंकड़ा वहीं रुका हुआ। तीसरी एक ये अहम खबर है कि जो बीमार स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य संचालनालय है, उसका एक नया पता हो गया। उसका नया पता महिला एवं बाल विकास संचालनालय का जो मुख्यालय है वात्सल्य, वहां उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो स्वास्थ्य कर्मी अब हैं वो इस वात्सल्य जो कि महिला एवं बाल विकास संचालनालय का मुख्यालय है वहां काम कर रहे हैं। और इस समय की अगर बात करें तो जो हेल्थ डायरेक्टरेट है उसको जो है कहना चाहिए उसकी साफ सफाई का काम किया जा रहा है और वहां पर दवाइयों का छिड़काव करके उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि जो हेल्थ डायरेक्टरेट है उसका खुद का ही जो है अब ठिकाना नहीं रह गया है। इसके अलावा एक अहम खबर यह है कि जो एम्स है जिस पर राजधानी वासियों की साथ ही जिले के लोगों की बड़ी आस्था रहती है, बहुत ज्यादा वहां के इलाज में विश्वास रहता है, उस पर भी दो आरोप एक तरह से लगते हुए नजर आ रहे हैं। पहला आरोप तो यह है कि वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एनएचएम की संचालक डॉक्टर रंजना गुप्ता, उन्होंने ये शिकायत की कि वहां उनको इलाज नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से, कोरोना प्रभावित है ये। उसके बाद वो चिरायु शिफ्ट हो गई है। इसके पहले की अगर बात की जाए तो 3-4 दिन पहले ही उपसंचालक डॉक्टर सौरभ पुरोहित हैं, उन्होंने भी एम्स में इलाज ठीक से न मिलने की शिकायत करते हुए वो भी चिरायु शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद फैज अहमद किदवई जो कि स्वास्थ्य आयुक्त हैं, उन्होंने जो 11 कर्मचारी और भर्ती थे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उनको चिरायु शिफ्ट कर दिया है। तो एम्स की प्रतिष्ठा पर ये खबर जो है कहीं ना कहीं ठीक है। मैं आसपास आएंगे एक और आप हमें भी इस तरह से जो एम्स में एडमिट थे जो संचालक के साथ जो 15 लोगों का स्टाफ था उनमें से किसी ने व्हाट्सएप करके बताया भी है जो जिनको कोरोना वायरस जिनको आइसोलेट किया गया था कि वहाँ पानी तक नहीं मिल पा रहा है एम्स में, और दवा और इलाज की तो बात ही दूसरी है। तो वो फिर जाके उन्होंने कई जगह मैसेज भी किया है और वो किराए शिफ्ट हुए जाकर के। तो एम्स में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने की जरूरत है। ठीक है एम्स का नाम बहुत है लेकिन अगर एम्स में ऐसा हो रहा है का एम्स तो छत्तीसगढ़ का एम्स है जो कि वहाँ पर लगातार 9 मरीज 10 में से ठीक कर चुका है। हाँ, लेकिन आज 7 और मिल गए हैं छत्तीसगढ़। आलोक को वहाँ पर स्थिति क्या है और सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने लोग संक्रमित हैं इस वक्त वहाँ पर, जो संख्या उनकी, और कितने लोग अभी क्वारंटाइन किए गए हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर में जो है स्थिति की अगर बात करें तो आज 19वां दिन है और 19 दिन में लगातार लॉकडाउन है। लॉकडाउन की जो है कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हालांकि जो है मेडिकल्स और स्वास्थ्य सुविधाओं को छूट दी गई है और होम डिलीवरी की सुविधा जारी की गई। आपको बता दें कि लगभग 11 लोगों को जो है होम वो आइसोलेशन में किया गया है और 43 जो लोग हैं उनको उसमें रखा, ऑब्जर्वेशन में रखा है। जी नहीं, आलोक ये जानना चाहेंगे कि ये किस मोहल्ले के हैं, नरसिंहपुर प्रॉपर के हैं कि कहाँ के हैं, जिन 11 लोगों को ये होम क्वारंटाइन किया गया है या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है? हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा गया है और ये जो जो 11 जो लोग हैं ये लगभग पूरे जिले के बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं जो 20 तारीख के बाद से जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से नरसिंहपुर जिले में लगभग 3500 लोग बाहर से आए हुए थे, जिनमें से छांटकर 11 लोगों को हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है और 43 लोगों को उस पे रखा गया है। जी, और बाकी को जो है होम पॉइंट उस पे रखा गया है। कहाँ बाहर से आए थे 33 लोग, इसमें जमाती तो नहीं थे? नहीं, जमाती नहीं थे, ये बाहर पढ़ने वाले कुछ छात्र थे, कुछ काम करने वाले छात्र थे जो इंदौर से थे, बाहर से थे और अन्य जगह जहाँ भोपाल से थे, अन्य जगह जहाँ ये लोग काम करते थे तो वहाँ से ये लोग आए थे। इनको जिला प्रशासन ने चिन्हित करके क्वारंटाइन किया हुआ है। आउट ऑफ कंट्री भी थे क्या, देश से बाहर भी पढ़ रहे थे कुछ लोग? नहीं देखिए, अभी देश से बाहर के जानकारी में आए थे लगभग 150 लोग थे, मगर उनमें से जिनको जो आइसोलेट किया गया है वो लगभग 11 लोग हैं। हालांकि अब ये देश से, विदेश से या बाहर से हैं ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आ रही। प्रशासन ने ये कहा कि हमने 11 लोगों को जो है परीक्षण करके और हमने उसको रखा है। तो 11 लोग जो हैं वो अलग अलग परिवार के हैं और उनके परिवार के लोग कहाँ क्या होम क्वारंटाइन है? नहीं सर, जो है वो हॉस्पिटल में आइसोलेट में रखे हुए हैं 11 लोगों को। जी, और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको जो है होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। ये इसमें से नरसिंहपुर प्रॉपर के भी है क्या कोई? नरसिंहपुर प्रॉपर से कुछ लोग हैं, मगर वही लोग हैं जो इंदौर वगैरह में पढ़ते थे या भोपाल में पढ़ते थे या बाहर कहीं और पढ़ते थे, पुणे में कोई नौकरी करता था या कहीं बाहर नौकरी करते थे, ऐसे लोग हैं जो 11 मोहल्ला कौन सा है क्या बता सकते हैं? नाम नहीं बताना है, एडवाइजरी जारी हुई, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मोहल्ला तो बता सकते हैं? सर, स्पष्ट रूप से प्रशासन ने अभी उनकी जगह को चिन्हित नहीं किया। उन्होंने यही बताया है कि हमने 11 लोगों को जो है हॉस्पिटल में आइसोलेट किया हुआ है और 43 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। जी, और बाकी जो बाहर से जो लोग आए हुए थे लगभग 3500 लोग हैं उनको जो है होम क्वारंटाइन किया हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर किस प्रकार से हैं, क्या वहां पर कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, कितने लोगों को घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्या कुछ वहां पर इंतजाम हैं? देखिए, नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में 4 वार्डों में आइसोलेशन बनाया हुआ है जहां पर लोगों को रखा हुआ है और बाहर की अगर बात करें तो हर तहसील में भी उन्होंने एहतियात के तौर पर शासकीय क्वारंटाइन बनाया हुआ है। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको जो है होम क्वारंटाइन किया हुआ है। जी, और घर के सामने उनके एक बोर्ड चस्पा कर दिया है कि इस घर से दूर रहें, इस घर में ना आए, संदेह कोरोना का संदेह वाला जो बोर्ड है वो चस्पा कर दिया है और प्रशासन लगातार उनके ऊपर नजर रखे। नरसिंहपुर में किराने का सामान और सब्जी वगैरह मिल रही है, प्रशासन वितरित कर रहा है? देखिए सर, अगर किराने की बात करें तो प्रशासन ने जो है लॉकडाउन के बाद से 2 से 3 दिन बाद जो है होम डिलीवरी की सुविधा चालू कर दी थी। हर क्षेत्र के जो दुकानदार हैं उनके नंबर लेकर व्हाट्सएप पे नंबर दे दिए हैं और उनको जो है बोल दिया है कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप जो है उनको होम डिलीवरी कर दें। और रही बात फल और सब्जियों की अगर बात करें तो उनको भी लगभग छूट दे दी गई है कि ये लोग जो है अपने एक जगह खड़े न होकर फेरी लगाकर सब्जियां और दूध जो है वितरित कर सकते हैं। दूध के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम निर्धारित किया है कि दूध वाले जो है वो क्षेत्रों में जाकर और अपने अपने एहतियात बरत कर दूध की सप्लाई कर दें। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपको, सब तमाम जानकारी के लिए। ऊपर वाला से प्रार्थना करो, हम भी कर रहे हैं, कम से कम नरसिंहपुर बचा हुआ है तो बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल जी के पास एक बार फिर से। जी निर्मल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, माफ करिएगा, बार बार हमारे दूर से जुड़ने वाले संवाददाता हमारे साथ जुड़ जाते हैं, इस कारण हम आपको बार बार रोक देते हैं। क्या अगली जानकारी? एक आपने बताया था कि ये स्वास्थ्य संचालनालय वहां क्यों शिफ्ट किया गया बाक्सल में?
देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो 95 के करीब जो आंकड़ा आ रहा है भोपाल के कोरोना पॉजिटिव में, उसमें लगभग आधा आंकड़ा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जा रहा है, और स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंकड़े और संक्रमण की शुरुआत ऐसी मानी जा रही है कि स्वास्थ्य संचालनालय से हुई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रमुख सचिव पॉजिटिव होते हुए भी बैठकों में भाग लेती रही, यही वजह है कि इस समय स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, और करीब 250 स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनके जो है काफी सांसद में इस समय और कोरोना से काफी डरे हुए भी हैं, क्योंकि अभी तक सारे के सारों का टेस्ट भी नहीं हुआ। यही वजह है कि स्वास्थ्य संचालनालय को पूरा का पूरा वात्सल्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोरोना के कहर के चलते मध्यप्रदेश के 14 जिले जिनमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन शामिल हैं पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इनके अन्य जिलों में अगर नजर डालें तो जबलपुर, विदिशा, शिवपुरी, मुरैना, खरगोन, बैतूल, श्योपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर ये पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर रायसेन की बात की जाए तो वहां पर कोरोना के कहर के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कर्फ्यू थोड़ा निर्मल जाना, कर्फ्यू तो यहाँ भी लगा है इस तरह से। कर्फ्यू क्या, ये कर्फ्यू किस तरह का है, क्या बाहर निकलने पे, हालांकि वो सांप्रदायिक जब तनाव होते हैं तब उस तरह कर्फ्यू होता है, ये किस तरह का है, क्या पनिशमेंट दिया जाएगा उनको जो बाहर दिख जाएंगे? जी बिल्कुल, इस यहाँ पर जो है रायसेन की बात की जाए तो सीधे सीधे यहाँ बाहर देखते ही लोगों को गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं, और इसके अलावा सरकार ने लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरे प्रदेश के जिले हैं वहां पर मेडिकल, किसी प्रकार की मेडिकल सहायता हो, मसलन हार्ट अटैक या स्ट्रोक या कैंसर या कीमोथेरेपी, इस तरीके के अगर मामले हों तो ई पास उनको जारी किया जा रहा है, और इसके अलावा जिले के अंदर या दूसरे जिले में निधन या बीमारी होने पर यदि इस तरह की कोई वाकियात होते हैं तो वहां संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय से जो है पास जारी किया जा सकता है। लेकिन जो ई पास का नंबर जारी किया गया है वो है 07552411180। फिर बताइए 07555 जो कि भोपाल का कोड नंबर है, इसके अलावा 24111180। तो इसके जरिए सरकार ने यह व्यवस्था की कि ई पास जो है जो भी जरूरतमंद है, जो कि जैसे कि मैंने जो गंभीर परिस्थितियां आपातकालीन परिस्थितियां बताई हैं उनमें जो है ई पास उनको मुहैया कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन सर थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज, मैंने पहले दिन भी कोशिश की थी कि जितना भ्रम हो सके वो दूर किया जाए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर आजकल ये बहुत चल रहा है कि तमाम तरह के ऐसे मैसेज चल रहे हैं कि WHO की तरफ से सारणी भेजी जा रही है कि प्रोटोकॉल के तहत ही इंडिया लॉकडाउन की प्रोसेस करेगा। वो खबर बिल्कुल झूठ है, ऐसे कोई सत्यता नहीं है इसमें, ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, वो फर्जी है, वो फेक न्यूज है। ये व्हाट्सएप पे ही दूसरे जो मैसेज आ चुका है, और हमारे साथ एक और जुड़ गए चंद्रशेखर मालवीय करेली से। क्या है करेली का हाल चंद्रशेखर जी? सर मैं आपको बताना चाहूंगा करेली में इस समय लॉकडाउन का पूर्णतः से पालन हो रहा है और जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी पालन हो रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है और क्वारंटाइन के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है प्राइवेट मैरिज गार्डन में, जिसमें अभी तक 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। सर नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से पालन हो रहा है, पालन होना भी चाहिए, सरकार के आदेश है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि करेली की आबादी लगभग कितनी होगी और कितने लोगों के सैंपल लिए गए वहाँ से? सर करेली में आबादी लगभग 15,000 से 20,000 के करीब होगी, लेकिन यहाँ पर सैंपल सिर्फ एक ही मिला था, एक लड़की का सैंपल था जो कि इंदौर में रीडिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, स्टडी कर रही थी। उसी घर का सैंपल लिया है? जी सर, उसी लड़की का बस सैंपल मिला था, वो भी नेगेटिव मिला था। कि सैंपल लिया उसका कि और लोगों का लिया कि उसका पॉजिटिव मिल गया, क्या है? नहीं सर, उसी लड़की का वाला लिया था। हाँ वो भी अभी नेगेटिव निकला है। तो मतलब कोई पेशेंट नहीं है, कोई संदिग्ध नहीं है वहाँ? नहीं सर, ऐसा कोई संदिग्ध नहीं है, 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उनमें से सैंपल किसी के भेजे गए? उनमें से सैंपल नहीं भेजे सर, किसी के सैंपल नहीं। 9 लोगों को फिर क्यों क्वारंटाइन कर दिया सर? संगे उनका कहना है कि संगत, मेरी जब बात हुई थी तो उनका कहना है कि ये संगत उसमें है, अभी इनको रख रहे हैं, उसके बाद इनका हो सकता है, अगर ये इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो सैंपल भेजा जाएगा।
सैंपल तब भेजा जाएगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा कहीं गलत लग रहा है, हमें लगता है अगर उनको रखा है तो उनके भी सैंपल लिए गए होंगे। हाँ, जाहिर है। एक बार फिर चंद्रशेखर जी बाद में मालूम करिएगा, जिनको रखा है आइसोलेशन में, मुझे लगता है उनका सैंपल लेके भेजा गया होगा, उनके सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे वो, मुझे जो लगता है। जी सर, मैं और उसके बाद में उनसे बात करता हूँ सर, अधिकारियों से। जी जी जी, जी। अब बिल्कुल आपके पीछे चंद्रशेखर रोड बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लगता है कि वहाँ पर अच्छे से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हाँ, आप भी मास्क वगैरह लगाए हैं, बाकी हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने नहीं लगाया था, थोड़ा सा आप भी सहमे हुए हैं लगता है, करेली नहीं पहुँचा है, भोपाल में आ गया है। जी सर, सर मैं बताऊँ, यहाँ पर अगर सुविधा की बात करें तो पुलिस प्रशासन करेली में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और करेली के जो TI है वो कलेक्टर साहब के आदेशों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करवा रहे हैं लोगों से, और बाकायदा पुलिस फोर्स जो है वो पूरे तरीके से पब्लिक को समझा रही है, और पब्लिक भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, TI साहब अगल बगल खड़े हैं लगता है आपके। नहीं सर, TI साहब तो नहीं है, बाकी यहाँ फोर्स जवान है बाकायदा तैनात। पिटाइयों के कई जगह दृश्य देखे गए, आपके यहाँ भी पिटाई के दृश्य देखे क्या करेली में? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक कोई वाक्य नहीं हुआ कि किसी का पिटाई का दृश्य देखा गया हो। चलिए, तमाम जानकारी के चंद्रशेखर आपका शुक्रिया। एक बड़ी खबर और मिल रही है कि रायपुर से जो जमातियों से 7 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरबा से कठघोरा में मिले हैं 7 मरीज, सभी कोरोना संक्रमित मरीज हैं, ये जमात से जुड़े हुए हैं। मरीजों को रायपुर के एम्स लाने की तैयारी की जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ से 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज, कोरबा के कठघोरा में ये 7 मरीज मिले हैं, जमाती हैं ये 7 मरीज। अब तो छत्तीसगढ़ में जो था बड़ा ही संभल के छत्तीसगढ़ अपने आप को लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जमातियों ने खेल खराब कर दिया, यहाँ पर भी 7 जमाती पहुंच गए हैं जो कि 7 के 7 वो संक्रमित हैं। हालांकि लगातार सरकार पर जो जमाती है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और बार बार अपील कर रही है कि जो भी उसमें शामिल थे वो आके अपने आप को चेकअप कराएं और प्रशासन को बताएं। अधिक जानकारी से सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जमाती के जहां भी पहुंच रहे हैं वहां पर संक्रमण की संख्या और तादाद बढ़ती जा रही है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ अब तक सुरक्षित था, सिर्फ 10 पेशेंट थे, बड़ा अच्छा रेस्क्यू चल रहा था वहां पर, लेकिन अब हालात अगर 7 ये पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है 7 ने 17 को किया होगा। जी बिल्कुल, अगर देखें आंकड़ों की बात तो ये पलटते नजर आ रही है। आज एकाएक 7 मरीज सामने आने से यहाँ पे प्रदेश में हड़कंप का माहौल तो है, ये इसकी पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे ये कोरोना में जीत की ओर थे, लेकिन जी सत्य, सत्य आवाज आ रही? हेलो, सत्य आवाज आ रही? जी सत्य, ये चुनाव रिजल्ट थोड़ी है कि पलटते नजर आ रहा है, सवाल इसका है स्थिति अब पहले से थोड़ी सी बिगड़ रही है, पहले ठीक था, पाए गए थे, ठीक हो गए, और उसके बाद स्थिति मेरे छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा गंभीर हो रही है। जी जी बिल्कुल, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जैसे कि हम यहाँ पे कोरोना मुक्त की ओर थे, लेकिन आज अचानक ये 7 मरीज सामने आने से एक संकट है, और फिर आगे की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि आगे और स्थिति गंभीर होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो इस तरह मरीज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, और आने की उन आशंका भी जताई। सत्या, ये 7 ही थे और भी हैं या हो सकते हैं? जी, और होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसमें पुष्टि नहीं है। उनके आसपास के जो सर्वे जारी है उनसे कौन कौन मिले हैं, कितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो कहाँ कहाँ गए थे, इन तमाम चीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की अमला वहाँ जुट गई है, और जो वहाँ के निगम अमला है और वहाँ के स्थानीय प्रशासन है जुट गए हैं, और फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग ने इन 7 लोगों को अपने कब्जे में लेके रायपुर भेजा जा रहा है एम्स में इलाज के लिए। सत्या, ये जमातियों के कारण, जो जमाती वहाँ पहुँचे उनके कारण हुआ, क्या ये आपको कोई ऐसी जानकारी है कि और भी कुछ जगहों पे दूसरे जमाती पहुँचे हो? जी बिल्कुल, प्रदेश भर से कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे इसमें, लगभग सभी लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें आधे से अधिक लोगों के सैंपल निगेटिव आए थे, तो इस तरह अभी कुछ और बचे हुए हैं जिनका जांच लेना अभी बाकी है, सैंपल लेना बाकी है। चलिए सत्या, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सर, जिस तरीके से भूपेश बघेल लगातार डरे हुए थे लॉकडाउन के लिए, उन्होंने पहले कह दिया था नहीं नहीं अभी लॉकडाउन मत करिए, खुलिए मत, अभी बना रहने दीजिए हवाई सेवा में, लेकिन जब वहां पर स्थिति बेहतर थी
तो अब ये एकदम से 7 मरीज तो जाहिर है कि अब छत्तीसगढ़ पे अभी गंभीर बात यह है कि जैसे बता रहे हैं कि 150 जमाती, अब वो 150 जमाती ये तो कुछ जमाती वहां पहुंचे होंगे जहां से कोरबा से कटघोरा से मिले हैं, ये और भी जाएंगे, तो ये लगता है अभी तक जहां जहां जमाती पहुंचे हैं, जैसे यहां पे आपके सिरोज में जो पहुंचे थे, जहां रुके थे उनकी 8 साल की बेटी को हो गया, ये और बढ़ सकता है। पहले निर्मल से बात कर ले फिर अपन दूसरी जगह चलेंगे। निर्मल, और कुछ भी जानकारी, आज कुछ और नए मोहल्ले तो नहीं सीज किए गए हैं? आज अभी तक जो है जो सस्पेंस है कहना चाहिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफे का, वो संख्या का जो है अभी तक चूंकि जानकारी नहीं आई है इसलिए कंटेनमेंट जैसी फिलहाल इजाफे की कोई चीज नहीं हुई है, नए इलाकों को कंटेनमेंट नहीं किया गया। ये बात जरूर है कि अब से कुछ देर बाद जब शाम को ये जानकारियां आएंगी और जो कोरोना का कहर एक तरह से सामने आएगा कि आज कितने लोग अधिक पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद प्रशासन निश्चित तौर पर कंटेनमेंट की कार्रवाई करेगा। साथ ही मैं आपको और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजधानी के जो 4 थाने हैं, ऐशबाग, जहांगीराबाद, टीटी नगर और हनुमानगंज, इनका पूरा का पूरा स्टाफ जो है आपको कहीं ना कहीं बदलता हुआ आने वाले समय में नजर आ सकता है, क्योंकि कलेक्टर ने डीआईजी अरशाद वली को ये निर्देश दे दिए हैं कि ये चूंकि कोरोना संक्रमित थाने हैं तो इनका ये व्यवस्था करें कि अन्य जिलों से बल बुलाकर सीएसपी स्तर के अधिकारी से लेकर टीआई से लेकर अन्य निचले तक के ये 4 थाने का बल वो क्रमशः बदल दें, और इन जो जो थाने के पहले प्रवेश के पहले नए कर्मचारियों के थानों को सैनिटाइज किया जाएगा, इसके अलावा जो इनके कर्मचारी हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो ये भी एक बड़ी कहना चाहिए पुलिस महकमे की कवायद है, क्योंकि 4 थानों का पूरा स्टाफ बदलना और कोरोना के संकट के चलते हुए उसके बाद नई मुस्तैदी करना, तो ये भी एक बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के सामने है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल में 71 पेट्रोल पंप हैं और जो शासन ने व्यवस्था की है पिछले 4 दिनों से लॉकडाउन के चलते, तो जिस इलाके में मान लीजिए मसलन किसी इलाके में 3 पेट्रोल पंप है तो उसमें से 1 पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, यानी कि जो अन्य पेट्रोल पंप है उनको 3 दिन बाद खोलने का नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और इसको शहरी क्षेत्र में यानी कि बैरागढ़ से मिसरौद तक और पटेल नगर से नेहरू नगर तक जो कि नगर निगम सीमा का इलाका है उसमें यह व्यवस्था है। इसके अलावा अगर क्योंकि आम जनता को पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है और बाहर की बात करें नगर निगम सीमा के जो पेट्रोल पंप हैं वो निर्बाध रूप से 24/7 जो है वो चालू है इस समय। जी ये नगर निगम सीमा में जो पेट्रोल पंप है वो चालू है, जैसे टीटी नगर का है, मिसरौद रोड का है, लाल घाटी के पास का, ये क्या 24 घंटे चालू है? जी बिल्कुल, ये जिस दिन खुलेंगे वो उस दिन पूरे 24 घंटे चालू रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 में से इलाके के चिन्हित करके उन्होंने 3 में से 1 पेट्रोल पंप को हर रोज खोलने के लिए 3 दिन बाद यानी कि नंबर आएगा उस हिसाब से एक रैंडमली प्रशासन ने व्यवस्था जारी की है, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन 24/7 पेट्रोल पंप खुलेगा। जी और राजधानी के कुछ क्षेत्र हैं वो सील किए गए हैं, उनमें क्या जो कोई क्वारंटाइन पेशेंट मिला है या कोई परिवार क्वारंटाइन किया गया वही क्षेत्र सील किए गए हैं, या फिर जहां ज्यादा चहल पहल थी या फिर लोग नहीं मान रहे थे या फिर ऐसी आबादी है जहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है वहां पर सील किए गए हैं? देखिए अभी तक चूंकि प्रशासन के पास आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपके पुलिस की चुनौतियां बताई हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो अतिरिक्त अबला भी पुलिस के पास नहीं है। जिन इलाकों में मरीज निकले हैं पॉजिटिव मरीज निकले हैं उनको तो प्रशासन ने पूरा सील करने की कोशिश की ही है, कंटेनमेंट करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है कई ऐसे लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन कर रखा गया है, तो ऐसे भी कई मरीज हैं जो इस समय होम क्वारंटाइन में हैं। जी जिस तरीके से शुक्रिया करने का समय आ गया निर्मल जी को। चलिए निर्मल जी, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और राजधानी और तमाम जगह के बारे में बताने के लिए संक्षिप्त में शुक्रिया आपका। जिस तरीके से देखें सर, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आखिर वजह क्या है, क्योंकि लॉकडाउन जहां से तब से लागू हुआ देश में वही यहाँ पे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सर जसवंत शर्मा हमारे साथ गाडरवारा से जुड़ गए हैं। जसवंत, वहां पर हालात क्या है और सबसे पहले जानना चाहूंगा संक्रमित कितने मिले हैं अब तक और क्वारंटाइन कितने किए गए हैं? जैसा कि मैं बता दूं बैठने वाला मैं तो 82 लोग अभी तक। जसवंत थोड़ा सा आपसे अनुरोध है, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर मास्क हटा लेंगे या जो भी गमछा बांध रखा है हटा लेंगे तो आवाज आ पाएगी। आम जनता, हम अपने नॉलेज के नहीं बल्कि हमारे जो दर्शक हैं ये आपकी गाडरवारा की क्या जानकारी है ये हम उनको देना चाह रहे हैं। मास्क हटाकर अगर आप बात करेंगे तो दर्शक और हम बेहतर आपकी आवाज सुन पाएंगे। जसवंत,
निवेदन है कि आप मास्क नीचे कर लीजिए जी। बताएं आप बताएं। मैं बता दूं बॉर्डर वाला शहर में कोरोना हमेशा 1-1.5 लाख की भीड़ देखी जा रही थी और आज ऐसे सन्नाटे देखे जा रहे हैं और ये 485 सैंपल लिए गए हैं और हम शहर की बात करें तो बॉर्डर वाला शहर में 40 सैंपल लिए गए हैं जिनमें एक संदिग्ध भी पाया गया है, उसमें से सिम्टम्स पाए गए हैं। एक बार फिर से बताएं थोड़ी तेज आवाज में, कितने सैंपल लिए गए गाडर बारा से और गाडर बारा की आबादी कितनी होगी लगभग? गाडर बारा में एक संदिग्ध पाया गया है और उसको जबलपुर चेकअप के लिए भेज दिया गया है। सैंपल कितने? 40 बताए आपने, कितने बताए, कितने सैंपल भेजे गए? गाडर बारा शहर से 40 भेजे गए हैं। 40 ठीक है। पूरी टेस्टिंग की बात करें तो उसमें 486 है जी। मेरे पेंसिल की बात करें तो 486 है उसमें सैंपल लिए गए हैं और फिर शहर गाडर बारा में जिसमें 40 सैंपल लिए गए हैं। 446 सैंपल लिए गए हैं टोटल और पॉजिटिव कोई रिपोर्ट आई अब तक उनकी? जी संदिग्ध कितने हैं? एक ना पाया गया है सर। केवल एक ही संदिग्ध है? एक व्यक्ति में पाया गया है। एक व्यक्ति में पाया गया है नरसिंहपुर से गाड़ा सर गाड़े वाला से कोरोना पॉजिटिव क्या कोई मिला है? कुछ कहना चाहिए कॉलोनियों को भी सील किया गया है, जहाँ पर पाया गया है पूरी पाबंदी लगा दी गई है, आवागमन की स्थिति पूरा बंद कर दी गई है। गार्डन वारा से एक बार फिर आपसे सवाल है, गार्डन वारा से कोरोना पॉजिटिव कोई पाया गया है या संदिग्ध है? चलिए जसमंत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। निवेदन है कि जानकारी थोड़ा अपडेट करिए अपनी। संजय भाई साहब जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से देखा जाए राजधानी के हालात बिगड़ रहे हैं, जाहिर है सबके सामने है, लेकिन जो नगर निगम को अपना दायित्व तो होता है, चूंकि आप वही देख रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर की बात किया जाए, जो कोई अन्य शहरों में सड़कें भी साफ की जा रही हैं, बिल्डिंग भी सड़का, ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसका कारण क्या है या हो रहा है हमें नहीं दिखा? चले संजय से संपर्क, मेरी आवाज आ रही? संपर्क नहीं हो पा रहा अभी, लेकिन सर जिस तरीके से मैंने सवाल संजय से किया था, ये आपने भी शायद अगर देखा हो तो राजधानी में उस स्तर पर, युद्ध स्तर पर ऐसा कोई छिड़काव नगर निगम की तरफ से देखने को नहीं मिला? जितनी सुविधा है भोपाल में मुझे लगता है, और जितना स्टाफ, जैसा कि कल मेरी एडिशनल कमिश्नर से बात हुई थी, जो 55 साल से जो वरिष्ठ वाले हैं, जो स्टाफ है उनको छुट्टी दे दी गई है, जो यंग है, जो इम्यूनिटी पावर जिनका अच्छा है, जो इस कोरोना से लड़ सकते हैं, उन्हीं लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है और उन्हीं को चिन्हित करके कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो जरूर है कि सैनिटाइज जो जैसे इनने खोल रखे हैं, जो भी कार्यालय खोल रखे हैं स्वास्थ्य विभाग, वहाँ बराबर सैनिटाइज होना चाहिए। मीडिया हाउसेस को खोल रखा है तो मीडिया हाउसेस में भी कहीं एक बार संजय जी के प्रयासों से यहाँ सैनिटाइज हुआ, तो यहाँ नियमित इनको रोज इतनी व्यवस्था होना चाहिए जा सके। लेकिन कई तरह के निगम में जिम्मेवारियां हैं, खाना वितरण करना है, सफाई सड़कों की रखना है। संजय जुड़ गए हमारे साथ। संजय, जिस तरीके से हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो युद्ध स्तर पर, हालांकि सर ने बताया स्टाफ की कमी है नगर निगम में, तो जो सड़कों को तो छोड़िए, बिल्डिंग्स और साथ ही साथ मीडिया हाउसेस हुए या फिर स्वास्थ्य प्रशासन की बिल्डिंग हुई वहां पर या अस्पताल हुए, वहां पर छिड़काव या इस तरह की कोई प्रक्रिया दिख नहीं रही है, हो रही है दिख नहीं रही है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? बिल्कुल दीपक, अगर आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं कि सैनिटाइजर की बात करें, तो सैनिटाइजर को अभी लेकर जिस तरह शुरू में जो एक व्यवस्था थी, और कल जब हमने बात की थी तो अधिकारी ने भी हमें बताया था सैनिटाइजर की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसको लेकर ये, क्योंकि बाहर से आता है और सारी सीमाएं सील है, तो उसको लेकर ये सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए ये कहीं ना कहीं कमी जरूर है कि अभी छिड़काव नहीं हो रहा है। और इनका साफ अधिकारियों से जब बात की गई है तो अधिकारियों का भी ये बताया है कि अभी जैसे जैसे सैनिटाइजर हमारे पास उपलब्ध होता जा रहा है और जहां पे अति आवश्यकता है वहां पे ये छिड़काव किया जा रहा है, और अगर कहीं पे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वहां पे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि पूरे भोपाल में सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए तो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी सैनिटाइजर और केमिकल्स जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, इसीलिए अभी मुमकिन नहीं है कि पूरे भोपाल में एक साथ सैनिटाइज किया जा सकता है। लेकिन जितनी भी उपलब्धता है वो पर्याप्त है और उसको लेकर जहां पे जरूरत रहती है वहां पे सैनिटाइज किया जाता है। जी दीपक, जरूरत कैसे महसूस करते हैं वो?
सर जरूरत के लिए ये इनका ये कहना है कि जहाँ पे जिस प्रकार से अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई पेशेंट मिल जाता है तो उसके आजू बाजू के कुछ क्षेत्र को लेते हैं, ये 100 मीटर के अंदर अंदर के जितने क्षेत्र रहते हैं उनको लेकर वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है, 100 मीटर मतलब चारों दिशाओं में 100 मीटर लेके उनके 100 मीटर के वहाँ तक छिड़काव करते हैं। पहले इंतजार होता है कि पॉजिटिव मिले फिर सैनिटाइज करें, पहले से सैनिटाइज कर दे जिससे पॉजिटिव न मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर? अभी इन लोगों का ये कहना है कि जो शायद मशीनरी की कमी हो या केमिकल्स की कमी हो, केमिकल्स के की बाहर से आता है और सारे पर संजय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब सीएम संजय गुरु के हमारे साथ आपके पास देवेंद्र पटेल जी जुड़ गए हमारे साथ होशंगाबाद से। देवेंद्र वहां पर जानना चाहूंगा कि कितने लोग संक्रमित पाए गए हैं और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जी बिल्कुल, मैं होशंगाबाद की बात की जाए तो पूरे जिले में अभी तक लगभग 18,000 लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 29 लोगों के कुल 29 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 12 लोगों की रिपोर्ट जो है आ चुकी है भोपाल से, भोपाल एम्स रिपोर्ट भेजी गई थी इनकी जांच के लिए, जहां से 12 लोग निगेटिव पाए गए हैं। और होशंगाबाद से 17 किलोमीटर दूर इटारसी, वहां पर 6 लोग पिछले 48 घंटों में 6 लोग पॉजिटिव कोरोना के संक्रमण से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक वहां पर डॉक्टर एनएल हेडा, जिन्होंने की कोरोना की आशंका के चलते अपने आप को भोपाल एम्स में भर्ती करा दिया था और परसों रात में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और उसी के साथ ही उनकी पत्नी, उन्हें भी जब कोरोना की आशंका के चलते उन्होंने दूसरे दिन जब एम्स में भर्ती कराया तो कल रात में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमएचओ सुधीर जैसानी द्वारा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई है। इसके तहत कुल मिलाकर 6 लोग अभी पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित, बाकी लोग जो है अभी रिपोर्ट 16 रिपोर्ट आना अभी बाकी है, पेंडिंग पड़ी हुई है। होशंगाबाद प्रॉपर से कितनी जांचें हुई हैं सैंपल के लिए? होशंगाबाद प्रॉपर की मैं बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर जो है अभी जातलपुर से 1 और होशंगाबाद में कुल 7 लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल होशंगाबाद प्रॉपर से 7 लोगों की जांच भेजे गए थे सैंपल? सर होशंगाबाद जिले की बात की जाए, प्रॉपर होशंगाबाद से सर स्क्रीनिंग तो काफी लोगों की गई है, बाकी कुल 6-7 सैंपल ही भेजे गए थे। यहाँ पर इस प्रकार का कोई कोरोना संक्रमण से आशंकित व्यक्ति अभी तक जानकारी में नहीं आया है। पूरे जिले में होशंगाबाद से? पूरे जिले में सर होशंगाबाद जिले से 29 लोगों को टेस्ट के लिए सैंपल भोपाल एम्स भेजे गए थे, जिनमें 12 लोगों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, और पिछले 48 घंटों में 6 लोग जो चिन्हित किए गए थे उनमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब ये जो 29 सैंपल भेजे गए थे उसमें से 6 भी है? 6 लोग जो है, 6 में जिन 2 की जांच जो है भोपाल में की गई थी, 4 लोग जो है, 4 रिपोर्ट जो होशंगाबाद से भेजी गई थी उनकी रिपोर्ट में 4 रिपोर्ट इटारसी से पॉजिटिव आई है और 2 की जांच भोपाल में की गई है। आपका दीपक सवाल, और जब वहां पर इटारसी में जो संक्रमित मिले हैं उसके बाद क्या कुछ होशंगाबाद में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं है? सर जैसे ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी लगी, पूरा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन महकमा जो है सख्ते में आ गया, और देशबंधु खुरा जो एरिया है, डॉक्टर एलएन हेडा जहां पर निवास करते हैं वहां पर 1 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। वहां पर बाकायदा पुलिस की तैनाती की गई है, स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है, और जिन लोगों ने डॉक्टर हेडा के संपर्क में आए थे, लगभग 100 से 120 लोग डॉक्टर हेडा के संपर्क में आए थे, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, सभी को घरों में क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें होशंगाबाद के विधायक डॉक्टर सीतारण शर्मा भी हैं, स्थानीय एसडीएम वो भी उनके संपर्क में आए थे, जिन्हें अपने घरों में क्वारंटाइन किया गया है। सीतारण शर्मा जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में मिले। कुल आबादी कितनी होगी कुछ बता सकते हैं होशंगाबाद की? होशंगाबाद की आबादी की बात की जाए तो 1 लाख के आसपास की आबादी है होशंगाबाद। कुछ जमातियों की भी कुछ ऐसी भी जानकारी आई है कुछ? हाँ। जमाती वहाँ होशंगाबाद जिले में भी कहीं पहुंचे हो? सर जिले की बात यदि की जाए तो इटारसी में जो हकीम खान, जिसकी फौज के पाए जाने के बाद मृत्यु हो गई है, ये इटारसी का जीन मोहल्ले का रहवासी है, यह बताया जा रहा है कि यह कुछ दिनों पहले जमात में शामिल हुआ था और उसके बाद यह लौटकर इटारसी आया था, और यहाँ पर उसने एक प्राइवेट चिकित्सक को जांच के लिए गया था, उसके बाद अपने आप को भोपाल में चेकअप के लिए चला गया था। ये वो प्राइवेट चिकित्सक कौन है कुछ मालूम है जिनके पास गए थे वो? बताया जाता है कि डॉक्टर जैसवानी, जो कि उन्होंने उन्हीं की भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की गई है और उनकी अभी पहली जांच रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई गई है।
चलिए देवेंद्र अशुक्ति आपका कुशल नक्थले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एचआरसी से, लेकिन अभी कुछ समय लग रहा है उनसे जुड़ने में। लेकिन सर जिस संजय जो सवाल था मेरा आपसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी रॉ मटेरियल मेडिकल से जुड़ा हुआ आता है तो उससे आने की अनुमति दी जाए, फिर आप कह रहे हैं कि केमिकल आने नहीं दिया जा रहा, सीमाएं सील है। जब केमिकल जब जरूरत है तो केमिकल कब संक्रमण फैल जाने के बाद आया जाएगा या सीमाएं खोली जाएंगी, क्या वजह है इसके पीछे की? दीपक अगर जिस प्रकार बात करी जाए तो अभी अगर जहां से केमिकल्स आता है वहां पे वर्करों की कमी है, वर्करों की कमी उस क्षेत्र में होने के बाद जितना वर्कर अगर जो केमिकल्स आता है एक ही क्षेत्र में तो जाता नहीं है, हर जिले हर उसका काफी प्रदेशों में दिया जाता है, लेकिन केमिकल की कमी वहां से आने के बाद भी अगर रोक लिया जाता है कहीं तो इस कारण से सीमाओं में नहीं आ पा रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि जितना केमिकल हमारे पास है जितना हम छिड़काव कर सकते थे अभी तक तो किया है, और जो वक्त पे जो जरूरत की जरूरत जितना है उतना हमारे पास है, और जहां पे भी आवश्यकता रखती है वहां पे हम लोग छिड़काव करते हैं। ये सही है आपका कहना कि केमिकल आने में कोई देरी नहीं है, आप कहीं से आने की कोई रुकावट नहीं हो सकती, लेकिन केमिकल बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उसमें भी तो वर्करों की आवश्यकता पड़ती है दीपक, वहां पे भी वो लोग नहीं है तो वहां से निकलने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है दीपक जी। समझे हम कैसे माने, जब फुराज के आसपास सैनिटाइजेशन होगा तभी तो हम मान पाएंगे कि हाँ हो रहा सही। बिल्कुल सर, इसके आप एक बार मैं आपको बता दूं सर कि हमने जब शुरुआत में किया था सारे मीडिया चैनल बल्कि जितने भी मीडिया हाउस है उसके साथ साथ स्वराज का भी नगर निगम ने ही सैनिटाइज कर दिया था, और आजू बाजू के क्षेत्रों के लिए भी एक बार फिर से कोशिश करके वहां पे भी सैनिटाइज करवा दिया जाएगा। जहां डॉक्टर हर 24 हर एक घंटे में हाथ धोने की बात करते हैं वहां आप 10 दिन में एक बार सैनिटाइज करवा दिए हैं तो उससे, या नगर निगम में कर दिया है तो उससे थोड़ी कुछ होना है। खैर आप बने रहिए हमारे साथ दीपक, गंभीर बात अभी जो होशंगाबाद में जो आपसे कि इतनी आबादी में से इतने कम लोग, दूसरा जो डॉक्टर जसवानी जिनका बोल रहे थे उन जसवानी जी से कितने लोगों ने इलाज के लिए संपर्क किया होगा, प्लस जितने लोगों ने इलाज संपर्क किया होगा उनका परिवार वो घर पे गए होंगे और वो और किससे मिले होंगे, अगर ये ऐसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें, इंदौर से कोरोना वायरस का एक और मरीज मिला, साउथ सतोड़ा निवासी मोहम्मद अकरम की मौत हो गई है जो कि कोरोना से संक्रमित था, 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव ये पाया गया था अकरम, 44 साल इसकी उम्र थी अकरम की, मोहम्मद अकरम इसका नाम है। और एक और मरीज की मौत कोरोना वायरस से, आपको बता दें निवासी साउथ सतोड़ा का था जो कि 2 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था, अरविंदो अस्पताल में इसने दम तोड़ा है जहां उसका इलाज चल रहा था। विकास पुलंकित एक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक और मौत, जाहिर है अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंदर लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो आज सुबह ही एक जो सर थे उन्होंने दम तोड़ा था, उसके बाद एक और जो अरविंदो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती मरीज मोहम्मद अकरम उम्र 44 वर्ष उसने की भी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। इंदौर के अंदर अभी तक 23 लोगों की मौत कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है, और अगर बात की जाए तो 213 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लगातार जो है जो आंकड़े हैं वो बढ़ोतरी हो रही है। अगर आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो 400 से 700 मरीज जो है आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, होम क्वारंटाइन जो है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है इंदौर के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। विकास इंदौर से एक डॉक्टर की भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल, इंदौर से कहीं ना कहीं जो एक डॉक्टर जो निजी अस्पताल के अंदर डॉक्टर थे, खातीवाला टैंक के निवासी थे, उनकी भी मौत हुई है। डॉक्टर पंजवानी उनका नाम है, और अभी थोड़ी देर पहले जो ये मोहम्मद अकरम है इनकी भी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर आज 2 मौत हुई है जिससे आंकड़ा जो है 23 के पार पहुंच गया है। प्रशासन लाख दावे कर रहा है लेकिन जो है मौतों का सिलसिला जो है इंदौर के अंदर लगातार जारी है, और लगातार जो है आंकड़ों में विकास डॉक्टर पंजवानी के परिवार वालों को भी होम क्वारंटाइन किया है या हॉस्पिटल में ले जाकर क्वारंटाइन किया है?
जी बिल्कुल, जैसे ही जो डॉक्टर पंजवानी है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी 6 दिन पहले, उसी समय जो उनके परिवार के जो लोग थे उनको होम क्वारंटाइन, उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, वहीं जो डॉक्टर ने जिन लोगों का इलाज किया है या उनके आस पड़ोसी या जो लोग थे जिनके टच में वो आए थे, जिनके संपर्क में आए थे, उन लोगों की तलाश जो है स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं अधिकारी वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की मौत हुई है उस तरह उनके अड़ोसी पड़ोसी या जो बात करें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो लोग कोरोना के लिए लड़ाई में जो है जो पुलिस के अधिकारी हो कर्मचारी हो कहीं ना कहीं उन्होंने भी हड़कंप मच गया है। खासकर जो डॉक्टर की मौत के बाद खासा असर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह है वो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। चलिए विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और इटारसी से हमारे साथ कुशल नथले जुड़ गए हैं। कुशल, इटारसी में कितने लोग संक्रमित पाए गए हैं, कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर क्या कुछ हैं? सर मैं बता दूं इटारसी के हाल, कल का भी कल तक तो बाकी सब कड़िया थे, सब गुड लिस्ट में थे, पर कल शाम को ही जैसे ही 5-4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद हड़कंप सा मच गया और प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। ये पूरे एक ही परिवार के जीन मोहल्ले का परिवार है, जो इससे पहले एक किन्हीं के परिवार की एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, उसके बाद इन सभी का उनका सैंपल बताया गया कि खराब हो गया था, जिसके बाद पूरे परिवार का सैंपल और यहाँ पर एक निजी चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया था, उनका भी सैंपल लिया गया था, पर निजी चिकित्सक का सैंपल जो लिया गया था वो नेगेटिव आया है। पर पॉजिटिव रिपोर्ट इनके परिवार में से 4 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आई और 1 की नेगेटिव आई। सबकी नेगेटिव आई मतलब? जी सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई, आपका कहने का मतलब है जो चिकित्सक है उनके परिवार में? नहीं, परिवार में सर 3 लोगों की पॉजिटिव आई है और 1 जन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो चिकित्सक जो है निजी चिकित्सा का, जैसे कि अभी इसके पहले भी बताया था कि जिनकी मृत्यु हुई है वहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, वो इलाज किसी एक निजी चिकित्सक जयसवानी उनसे करवा रहे थे। तो जयसवानी जी का नर्सिंग होम या क्लिनिक कितना चलता है? सर उनका क्लिनिक काफी चलता है और उनके पास आने वाले कहना है उनका यही था कि उन्होंने बाहरी उस व्यक्ति को देखा था जिसके बाद उसको तुरंत भोपाल के लिए रेफर कर दिया था, पर एहतियातन के तौर पर उनका क्लिनिक सील कर दिया गया था और आने जाने वाले की सभी की रिपोर्ट ली गई थी। डॉक्टर साहब की खुद ली गई? डॉक्टर साहब की रिपोर्ट सैंपल लिए गए थे पर वो नेगेटिव आया था। डॉक्टर साहब के परिवार का? परिवार का नहीं लिया था, परिवार के क्लिनिक में ही उनका लिया गया था। क्लिनिक में डॉक्टर साहब के थे, उन्होंने उनको देखा था, इसलिए डॉक्टर साहब का सैंपल लेकर भोपाल पहुंचाया गया था, पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पत्नी भी पॉजिटिव आई है कुशल नथले? सर ये जो मामला है ये दूसरा है, डॉक्टर ML हेडा है जो एक उनको पॉजिटिव आए, वो उनकी भी काफी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टर हेडा का जो सैंपल पहुंचाया था तो वो पॉजिटिव आया और उनके साथ में ही उनकी पत्नी का भी सैंपल लिया गया था तो वो भी पॉजिटिव आया। तो ऐसे सर इटारसी में टोटल 6 लोग हैं जिसमें से 1 जन की मृत्यु हो गई। और ये सैंपल कितने लिए गए इटारसी में कुल, आपको मालूम है क्या? इटारसी में सर करीबन अभी 17 सैंपलों की जांच अभी बाकी है जिनकी रिपोर्ट आना है, 12 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। जी सर नहीं, कुल सैंपल मुझे लगता है 17 सैंपल ही लिए गए हैं, थोड़ा सा मुझे अलग आंकड़ा लग रहा है, हमें लगता है इससे ज्यादा सैंपल लिए गए होंगे। सैंपल अभी 17 की रिपोर्ट कल ही सैंपल लिए गए थे रिपोर्ट आने के बाद, जिसमें से कुछ सैंपलों को अभी रिपोर्ट आज आना बाकी है सर। लेकिन कुशल 6 पॉजिटिव मरीज हैं, उनसे संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन किया गया होगा, जाहिर से ये आंकड़ा ज्यादा होगा पॉजिटिव जो सैंपल भेजे गए होंगे लोगों के। जी सर उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। नहीं वही कुशल जानना चाह रहा कुल कितने सैंपल लिए गए कुल अभी तक? कल सर करीबन डॉक्टर कल नहीं वो अभी तक जब से ये कोरोना चला है सर करीबन यहाँ पर 21 ठीक है जो आंकड़ा आप बताए। मैं फिर से आपसे जानकारी ले लूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपका कहने का है कि 17 सैंपल आने बाकी है जो संदिग्ध थे। सर मैं बता दूं तो टोटल सैंपल 34 लिए गए थे,
जिसमें से 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और 13 कुल नेगेटिव आए हैं, और 17 की जांच इसमें सर अभी आना बाकी है। और यहाँ पर टोटल अभी मृत्यु एक जन की यहाँ पर बता रहे हैं जो हुई है, अब बता रहे हैं कि हो ही गई है, हो गई है सर, हो गई है। जानकारी के लिए शुक्रिया को सर। तो संजय फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय, जिस तरीके से अब और शहरों में या और प्रदेशों में हम जिक्र कर रहे थे, नगर निगम व्यवस्थाएं कर रहा है, क्या सिर्फ सील कर देने मात्र भर से या फिर लोगों को निकलने नहीं देने मात्र भर से ये संकट दूर हो जाएगा क्या? और दायित्व नहीं है सिवाय रोकने के लोगों का इसके अलावा? बिल्कुल दीपक, अगर जिस प्रकार से रोकने की बात है तो रोखा तो एक जिस बताया जा रहा है कि अभी अगर कहीं देखा जाए तो जब घर में रुका हुआ है आदमी तभी संक्रमित नहीं हो पा रहा है, ये एक जो मोटो चल रहा है। और एक ये लोगों को बताया जा रहा है कि आप जितना दूर रहेंगे, भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, तो उसी हिसाब से ये रोका जा रहा है। अगर नगर निगम ने रोका भी है या प्रशासन ने रोका भी है तो उसके साथ उन आम जनों को जनता तक सेवाएं पहुंचाने का भी काम नगर निगम ने आज से शुरू कर दिया। जब हमने कल शुरू कर दिया आज से सर, कल जब हमने बात की थी कि कुछ नंबर इनने जो सब्जी वाले के लिए बोला था कि वार्डों में अब गाड़ियों से सब्जी, ये लोग नगर निगम की खुद गाड़ियां जाएगी और वहाँ पे सब्जी का वितरण करेगी या वहाँ पे सेल करेगी। नहीं तो नगर निगम ऐसा कुछ है कि किस समय किस वार्ड पे जाएगी कहाँ, या कोई नंबर जहाँ उस नंबर पे फोन करने से सब्जी वाला पहुँच जाए वहाँ? बिल्कुल सर, अगर अब मैं बता दूं आपको कि ये सारे विधायक जितनी भी विधान भोपाल की तो 6 विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं उनके लिए अलग अलग नंबर का यहाँ पे इशू करा गया है। अगर मैं बात कर लूँ 75 की वार्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे MP04CL 7912 करके एक गाड़ी है जिसका नंबर है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो दिया है 7566900096। संजय मैं वो समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ जानना चाहूँ कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इस प्रकार की सुविधाएं नगर निगम से देने के लिए तैयार की गई हैं? बिल्कुल दीपक, अगर देखा जाए तो जैसे 85 वार्डों के लिए ये गाड़ियां शुरू की गई है। अभी तक इन लोगों ने जिस प्रकार अगर देखा जाए तो आज 40 वार्डों के लिए गाड़ियां शुरू कर दी गई है और इनके लिए अलग अलग नंबर दिए गए। हर एक वार्ड में एक गाड़ी? जी सर, हर एक वार्ड में एक गाड़ी गए, एक वार्ड में कई जो बड़े वार्ड है वहाँ पे 2 गाड़ियां हैं और जो छोटे वार्ड है उनमें एक एक गाड़ी है। जनसंख्या के हिसाब से इनमें गाड़ियों का वितरण किया है। एक गाड़ी पहुंचा पाएगी संजय, आपको लगता है क्या? 7.5 लाख सर, छोटे वार्डों की बात हो जाए तो छोटे वार्ड भी हैं इसमें बहुत सारे जिसमें एक गाड़ी से काम हो जाएगा, लेकिन जो बड़े वार्ड है और विधानसभा में जैसे बड़ी विधानसभा है तो उसमें 10-10 गाड़ियां तक दी है इनमें, और जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी नगर निगम का कहना है कि वहां तक वो पहुंचेगी। 7.5 लाख से ज्यादा आबादी है, 18 से 20 लाख आबादी है यहाँ, और उसमें 80 गाड़ियां भी मान लो, तब से 80 गाड़ी कैसे कर पाएगी? सर, गाड़ियों के सिवा इनने जो परमिशन दी है, जो अब बाहर से सब्जी आ रही है, इनने जो ठेले वाले हैं और गाड़ियां वाले जो परमिशन ले रहे हैं सब्जी बांटने के लिए, उनके लिए भी परमिशन का इंतजाम किया है, वो भी परमिशन दे रहे हैं कि वो लोग वहां पे जाके सब्जी वितरण कर सकते हैं। और इसी के सिवा एक नया काम और शुरू किया है। बीरेन तिवारी जुड़ गए हमारे साथ सिवनी मालवा से। बीरेन जी, एक दुखद खबर है आपके यहाँ से कि आज हरियालाल रघुवंशी जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो शायद अब नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे काफी शोक का माहौल है जब से ये खबर आई, उसके बाद से सारे लोग, हालांकि लॉकडाउन का कारण चल फिर तो नहीं है, लेकिन यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से श्रद्धांजलि देने। चलिए, आप बताए कोरोना के क्या हाल है? कोरोना के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कुल मिला के 11 केस आए थे, अभी फिलहाल संदिग्ध जो थे उसमें से 3 लोगों को सैंपल पहुंचाए गए थे, उसमें 2 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, एक जो बंगाली रेलवे प्लेटफॉर्म से बरामद हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। क्या फिर से बताए, बंगाली? एक बंगाली जो था जो नागपुर होते हुए कानपुर होते हुए यहाँ सिवनी मालवा आ गया था, मानव रेलवे ट्रैक पर उस संदिग्ध हालत में उसे देखा था, तो जागरूक नागरिकों की सहयोग से उसे हॉस्पिटल लाया गया। उसका वो बंगाली वही का रहने वाला है क्या? ये वहाँ का उसका भाषा समझ नहीं आया, लोगों का कहना ये था कि वो बंगाली है, बंगाली डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन उसकी भाषा जब समझ आई तो उसने बताया कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। वहाँ कैसे पहुँच गया सिवनी मालवा? वो रेलवे लाइन से नागपुर होते हुए नागपुर से इटारसी से रेलवे ट्रैक से बांदापुरा आ गया था पैदल।
पैदल आ रहा था? पैदल आ रहा था। पैदल आते हुए जब उसको पता लगा तो पूरा प्रशासन गया, प्रशासन ने उन लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया गया, उसके बाद सैंपल जब होशंगाबाद पहुँचा गया तो अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। जो दो लोग आए थे, दो रिपोर्ट आई है लेकिन दो नेगेटिव आई है, उसमें एक शिवनी मांडवा जो निजामुद्दीन मरकज से आया था वो करीब उसका नेगेटिव आया है अभी रिपोर्ट, और एक जो बानापुरा से दिल्ली होते हुए आया था उसकी भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इनको रखा कहाँ गया है जो बंगाली बाबू है? ये अभी फिलहाल तो शिवनी मालवा ही था। नहीं मतलब हॉस्पिटल में कोई है कहाँ को, उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है, कहाँ रखा गया है? हॉस्पिटल में अभी एक व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ के हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ही यहाँ केंद्र बनाया गया है उसमें उसे रखा गया है, और एक जो शिवपुर वाला था उसे भी वहीं रखा गया था, उसकी छुट्टी